सभी सो so, मैं भावना फ्रॉम व्हील ऑफ से आप सभी की कार्ड हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन इवनिंग आज शाम आपके पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी में है क्या कुछ सोच रहे हैं ये आज हम देखेंगे ठीक है और वन मोर थिंग कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था ठीक है आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स में भी आप लोग काफी क्वेश्चन भेजते हो मुझे एंड uh, मैंने सोचा कि आज मैं उस क्वेश्चन को लेती हूँ इस रीडिंग में तो अगर आप भी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज ना कि वो पर्सन वाकई में आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेगा या नहीं ठीक है वो पर्सन की uh, आपकी ज़िंदगी में मतलब आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए आगे बढ़ जाना चाहिए अगर आप भी इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज ना तो आज सबसे पहले तो हम इवनिंग थाट्स देखेंगे आपके और आपके पर्सन के लेकिन बाद में हम ये भी चेकआउट करेंगे Uh, कि आपको इस रिलेशनशिप में वाकई में स्टे करना चाहिए या मूव ठीक है और uh, इस प्रॉपर गाइडेंस के साथ देखना इस रीडिंग को कि वाकई में जो रिजल्ट निकले फिर आप उस पर कायम भी रहो है ना तभी तो वरना क्या मतलब है इस गाइडेंस का राइट तो जो गाइडेंस आए ऑफकोर्स उस पर ये भी सोचना कि अगर ये गाइडेंस आई है तो आपने उस गाइडेंस पर रहना भी है मैं एक पिकअ कार्ड रीडिंग करूँगी सोच समझ के अपने लिए कार्ड उठाना ठीक है और सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का फैसला करना ठीक है मेरे पास बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं इसलिए आई थॉट मैंने पहले ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ पर आई थॉट कि दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को लेती हूँ अपने इस वीडियो में ठीक है चलो तो आगे चलते हैं अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ आप चाहते हैं ना मैं आपके लिए हरे वीडियोज़ बनाऊँ तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना है एंड uh, आप चाहे तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है चलिए तो ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है आप सभी के लिए है जितने पर्सन भी रेजोनेट करें रखिए बाकी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ तो अपने पर्सन के बारे में सोचते रहें ताकि ये रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे बट गेटिंग माई पॉइंट राइट चलो तो सबसे पहले आपके इवनिंग तो देखते हैं प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के क्या व्यूज है उस पर्सन के लिए जिन पर्सन के साथ वो आजकल डील कर रहे हैं जिन पर्सन ने उनको नो कॉन्टैक्ट दिया है मेरे व्यूअर्स की थिंकिंग है इज द हारमेट ठीक है ये आप लोगों के लिए कार्ड है ठीक है कई बार इट क्या आप इन कार्ड्स को देखकर भी एक अटैचमेंट फील करते हो आपको ऐसा लगता होगा ये आप ही की लाइफ की सिचुएशन है इजेंट इट टेन ऑफ कप्स एंड वन मोर द एस ऑफ पेंटिकल और बॉटम में हमारे पास है एस ऑफ वन की एनर्जी ठीक है तो यहाँ पर मुझे आ, सबसे पहले जो आपकी तरफ से एनर्जीज दिख रही हैं ना वो स्ट्रॉगली कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो आ, आप उस पर्सन के लिए ले ना लाइक एकदम ना आप अपनी ज़िंदगी से ना एक वो होता ना पॉसिबिलिटीज़ होप्स वो खो चुके हो मुझे ऐसे दिख रहा है आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है इस रिलेशनशिप में इज इन एट इमोशनल लेवल पर आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है अपने इमोशंस आपने डाले हैं इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के लिए ही आप रोए हो इस पर्सन के लिए ही आप हंसे हो है ना ऐसी एनर्जीज रही है इस पर्सन की खुशी के लिए आपने बहुत कुछ करा है इस पर्सन को हो सकता है आपने सिर्फ इमोशनली ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा हो फिजिकली सपोर्ट करा हो है ना तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी तरफ से बहुत स्ट्रांग सपोर्ट इधर गया है मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट करा है इस रिलेशनशिप में राइट और अब आपको ऐसा लगता है जैसे यार मैंने इतना कुछ करा है इस रिलेशनशिप में ठीक है इतना प्यार इसे दिखाया और एज ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि आपका पर्सन ना आपको लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड लेने गया लेने लग गया है Isn't it? वो आपको पूरे तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है उसको उसको कदर नहीं है आपने जो कुछ भी करा है ना उस पर्सन के लिए आपके पर्सन को बिल्कुल भी अंदाज़ा और कदर नहीं है उन चीज़ों की ठीक है वो उसे ऐसे ले रहे हैं कि यार ये तो कोई भी करेगा ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन कहीं ना कहीं रहे हैं जब भी आप ये चीज़ें कर रहे थे आप ना बहुत ज़्यादा लाइक अपसेट अकेलापन अपने पर्सन के लिए फील करते हो लेकिन साथ ही साथ द पॉजिटिव थिंग इज दैट कि मुझे ये दिखता है आ, कि अब आप ना अपना फोकस भी बदलने की कोशिश कर रहे हो मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे अब आप अपने फाइनेंसेस की तरफ आपने सोचना स्टार्ट करा है अपने लिए आपने सोचना स्टार्ट करा है है ना एक नई एनर्जी में आते हुए से आप दिख रहे हो आपको अब ऐसा लगने लगा है कि ठीक है यार अगर उसने आना है तो आए नहीं आना है नहीं आए लेकिन अब मुझे अपना और वक्त बर्बाद नहीं करना है उसके बारे में सोचते हुए अब मुझे और अपना टाइम अपने इमोशंस को ख़राब नहीं करना है है ना आप कोशिश करते हो मूव ऑन करने की भी पूरे तरीके से कोशिश करते हो लेकिन जब भी आप मूव ऑन की बात आती है ना तो यू वर लाइक थोड़ा सा घबरा भी जाते हो थोड़ा सा फियर पॉजिशिवनेस कहीं ना कहीं आपके दिल में रहता है चाहे उस पर्सन के लिए चाहे थर्ड पार्टी के लिए ठीक है जो उनके साथ है तो आप जब भी उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो आप जेलस फील करने लग जाते हो आप एकदम ऐसी एनर्जी में आ जाते हो कि यार मेरे में क्या कमी है जो उसने मुझे छोड़ दिया ठीक है आप अपने लिए ही कई बार नेगेटिव भी हुए हो हु इस रिलेशनशिप में बहुत रोए हो बहुत परेशान भी हुए हो अकेलापन भी महसूस करा है आपको ऐसा लगता है जैसे अब यार मुझे और किसी रिलेशनशिप में अब जाना ही नहीं है अब मैं और ये सब कुछ हैंडल कर ही नहीं सकती हूं या कर ही नहीं सकता ठीक है बहुत कुछ हो गया बहुत कुछ देख लिया आप। आपको ऐसा लग रहा है इट तो ये कहीं ना कहीं ना आपकी एनर्जी है जहां पर मुझे ये दिख रहा है कि आप रियूनियन करना चाहते हो आपने अपने पर्सन के साथ ना पूरा फ्यूचर इमेजिन कर इट कि आप उनसे शादी करोगे आपके बच्चे होंगे एंड ब्ला ब्ला मतलब फ्यूचर पूरा फ्यूचर का कार्ड है यहाँ पर ठीक है मुझे ऐसा दिख रहा है आपने उसके साथ बहुत स्ट्रांगली अपना फ्यूचर इमेजिन करा आपको ऐसा लगता है यार आ, मतलब कहीं सिचुएशन में मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आपको मैरिज के लिए फोर्स करा जा रहा है घर में और यू आर नॉट रेडी टू डू मैरिज राइट नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अब मैं और ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती हूँ तो आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर होप भी खो हो चुके हो तो ऐसी आपकी एनर्जी अगर ये अब रेजोनेट करा तो अब जो इवनिंग आपके पर्सन के आएंगे वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगे प्लीज डिवाइन एनर्जीज बताएं मुझे कि मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उस पर्सन आज शाम किस एनर्जी में है तो दे आर लाइक आउटसाइडर कैन यू सी मेचोरिटी ओके एक्सपीरियंसिंग मास्टर आई एम सो सॉरी एक्चुअली डज नॉट वेल मैथि डेज तो आई होप सो आपको मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है आई एम नॉट दैट लाउड ठीक है क्लिंगिंग टू द पास्ट ओके तो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना जिस पर्सन ने आपको ये नो कॉन्टैक्ट दिया है सबसे पहले तो अगर मैं उनके जोरिया बताऊँ तो, बता तो जेमनी लिब्राइक्स टॉरस वर्गो के एंड एरीज लियो एजिटेरियस आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ठीक है ये आज की रीडिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ये आपके आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं एंड जो आपके पर्सन की एनर्जी है ना मुझे ऐसे दिख रहा है वो ना चीज़ों को बिल्कुल भी मेच्योर होकर डील ही नहीं कर रहे हैं वो एक एनर्जी होती है ना भागने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही थाट्स से भागने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करना है तो आपसे कम्युनिकेट करने से भागने की कोशिश कर रहे हैं आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कन्फ्यूजन में खुद तो फंसे हुए हैं खुद तो कन्फ्यूज है ठीक है आपको भी कन्फ्यूजन में रखा हुआ है ठीक है एक वो होता है ना डट के सामना करना है मुझे जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो ऐसी एनर्जी में है ही नहीं वो ऐसी एनर्जी में है ही नहीं वो सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे सामना करूं अब आपका कैसे सामना करें अपनी प्रॉब्लम्स का कैसे सामना करें परेशान होते हैं इसलिए क्या कर रहे हैं सामना नहीं कर रहे हैं दूर से बैठे आपको देख रहे हैं स्टॉक करने की कोशिश करते हैं लोगों से आपके बारे में पूछते हैं यार वो क्या कर रही है किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चली गई है ठीक है मेरे बारे में सोचती भी है क्या नहीं मेरे बिना रह कैसे पा रही है जो पर्सन मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह पा रहा था आज वो मेरे बिना इतना नो कॉन्टैक्ट कैसे झेल रहा है ऐसे आपकी पर्सन की एनर्जी है दूर बैठे देख रहे हैं ठीक है सामना नहीं करने की कोशिश उनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की गिल्ट की एनर्जी में दबे पड़े हैं ठीक है उनकी ऐसी एनर्जी है आज शाम की भी कि एकदम गिल्ड के से भरे पड़े उनको पता है कि गलती उनकी है मिस्टेक्स उनकी है ठीक है अंदर ही अंदर क्या होता है अंदर ही अंदर जलते हैं अंदर ही अंदर वो एनर्जी होती है ना कुड़ते रहते हैं परेशान होते रहते हैं यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं वैसी एनर्जी में आपके पर्सन ठीक है और फिर कुछ करने के स्टेप्स लेने की अभी आ, मतलब क्योंकि कंफ्यूज्ड है ना पूरे तरीके से तो स्टेप्स लेने के बारे में सोचेंगे अभी कैसे ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं टोटली लाइक एम बिहेवियर एकदम उन्होंने आपको नो no कॉन्टैक्ट भी दिया होगा ना तो आई एम श्योर कि वो नो no कॉन्टैक्ट भी बहुत ही सिली रीज़न रहा होगा ठीक है बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा उस रीज़न का जिस रीज़न पर उन्होंने आपको नो no कॉन्टैक्ट दिया है ठीक है उन्होंने छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया वो ऐसा सोच रहे थे कि यार ये मेरी बात ना मान जाएगी अगर मैं इससे लड़ूंगा झगड़ूंगा इसको दबाने की कोशिश करूंगा तो या, तो या तो ये मेरी बात मान जाएगी ठीक है नहीं तो मैं ऐसे ना छोड़ दूंगा ऐसी एनर्जी थी आपके पर्सन की और उन्हें ये महसूस नहीं हो रहा था कि अगर वो आपको छोड़ देंगे तो इतना कुछ इनके दिल में उथल पुथल मच जाएगी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था उन्होंने ठीक है एक वो मैं कह रही हूँ ना टोटली इमिच्योर बिहेवियर आपके पर्सन का रहा है बिल्कुल इमिच्योर जहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और रातों को भी ऐसी एनर्जी है क्लिंगिंग टू द पास्ट सोचते रहते हैं आपके बारे में यहाँ पर क्या एनर्जी दिख रही है अपने मुँह पर सिरहाना रखे शेस्क्राइंग और वही एनर्जी आपकी पर्सन की है ठीक है ऐसे रो रहे हैं कि किसी को दिखाना भी नहीं चाहते ठीक है दुनिया को नहीं शो करना चाहते दुनिया को तो शो कर रहे हैं मैं बिल्कुल बिंदास हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन एनर्जी क्या है अंदर ही अंदर होते हैं अंदर ही अंदर परेशान भी होते हैं क्या जिससे बात करने का मन है उसी से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ है ना चीज़ें कितनी मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं राइट अच्छा इस पर्सन के साथ मुझे ये भी चीज़ दिख रही है आपने बहुत कोशिश करी है इसको बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि जो आपका पर्सन है ना एक तो उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उसके डिसीजन टोटली कई बार ऐसा हुआ है कि उसके डिसीजन की वजह से वो सहता है ये आज ही नहीं पास्ट में भी ये चीज़ें रही हैं कि अपने गलत डिसीजन की वजह से उसने बहुत प्रॉब्लम्स हैंडल करी हैं ना तो आपके पर्सन की एक तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है ना वो भी मुझे बिल्कुल कम दिख रही है अच्छी नहीं दिख रही है ज़्यादा और जिस वजह से वो हमेशा फंस जाते हैं किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम में और अभी भी मुझे ऐसे दिख रहा है सिर्फ रिलेशनशिप वाइज नहीं इवन फाइनेंशियली भी आपके पर्सन ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उनके साथ ठीक है कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें इंप्रूव नहीं हो पा रही हैं वो ना बस ऐसे बैठे हुए हैं लेटे हुए हैं बस अब लेटे लेटे तो काम नहीं होगा ना अपने आप है ना बैठे बैठे तो अपने आप काम होगा नहीं ठीक है उनको एफर्ट डालने पड़ेंगे और एफोट डालने वाली एनर्जी कहीं दिख ही नहीं रही है उनके साइड से इजेंट इट उनको एफोर्ट डालने होंगे उनको आपको कॉल करना पड़ेगा आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे इस तरीके से तो हैंडल नहीं हो पाएंगी ना सिचुएशंस तो यहाँ पर यही एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली राइट right? जैसे वो ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं और आज शाम भी सिर्फ बैठ के आपके बारे में सोच रहे हैं पास्ट में जो कुछ हुआ उन चीजों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं ठीक है चलिए तो अब एक काम करते हैं Uh, ये तो हो गई इवनिंग थाट्स आप देखते हैं कि जैसे आप कन्फ्यूज हो ना इस चीज़ को लेकर के मुझे स्टे करना चाहिए इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाना चाहिए तो मैं दो कार्ड्स पिक करूँगी बहुत ध्यान से आप दो कार्ड्स में से अपने लिए एक कार्ड पिक करना ठीक है तो दिस इज़ कार्ड नंबर वन ठीक है एंड दिस इज़ कार्ड नंबर टू प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनको रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन तो आपने क्या चीज़ करनी है अपने लिए आप एक कार्ड पिक करो ठीक है ठीक है, तो अपने लिए क्या करना है आपने एक कार्ड पिक करो तो बिल्कुल रिलैक्स होकर मेडिटेट करो चाहे अपने पर्सन के बारे में सोचो बट अपने लिए कार्ड पिक करो डन ठीक है चलो तो अब मैं दोनों कार्ड्स पिक करती हूँ तो आपने दिस इज कार्ड वन एंड दिस इज कार्ड टू अब देखते हैं जिन्होंने भी कार्ड नंबर वन पिक करा है ठीक है उनको स्टे करना चाहिए या वन वान. तो लेट अस चेक आउट सो यहाँ पर है हीलर्स ऑफ द एजेस वाओ ब्यूटिफुल इकनोजी तो मुझे ऐसा दिखता है जैसे आपके पर्सन बिल्कुल वापस आ जाएंगे ठीक है इन हीलर्स ऑफ द एजेस आपकी रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं इम्प्रूव कर रहे हैं और ये हीलर ऑफ एजेस आपको यही कह रहे हैं कि वो वापस लौट कर आएंगे और आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए ठीक है तो जिन्होंने भी कार्ड मन करा है पिक अब आपने स्टे करना है इस रिलेशनशिप में ठीक है चलो अब देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर टू पिक करा है उनके लिए क्या एनर्जी आई है ओके माय गॉड स्ट्रॉन्ग वार्मिंग ठीक है तो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे तूफान आने वाला है ठीक है अब जैसे होता है ना कि तूफान आता है और सब उथल पुथल मच जाता है सब बिखर जाता है वो आपकी एनर्जी तो चल भी रही है अभी राइट बट यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है आप अगर मूव ऑन कर जाओ उस रिलेशनशिप से ठीक है क्योंकि या तो ये तूफ़ान थमने में बहुत वक्त लगाएगा यानी आपका पर्सन आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा देगा ठीक है और नहीं तो उसके चांसेस कम है वापस आने के तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इफ़ पॉसिबल मूव ऑन करो अपने उस रिलेशनशिप से ठीक है और इस चीज़ पर बिल्कुल कायम रहना है आपने ठीक है एंड आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करें ठीक है इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने में क्योंकि बहुत कन्फ्यूज हो आपकी एनर्जी भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग उठकर आई है तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर